नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा HDFC बैंक कस्टमर केयर से आप डायरेक्टली बात कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप भी अपने HDFC बैंक में खाता खुला है, चाहे आप वो क्रेडिट कार्ड से संबंधित जानकारी लेना है या फिर आपको ऑर्डर करवाना है, या फिर दोस्तों यहाँ पर आप जो है अपने बैंक से रिलेटेड, नेट बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी पूछताछ करना चाहते हैं, या फिर अपना ATM पिन अगर आपका खो गया है, यानी कि ATM आपका ब्लॉक हो गया है, ब्लॉक करवाना चाहते हैं अगर खो गया है, तो बहुत सारी कई सारी जो है हेल्प होती हैं। तो उसके लिए आप जो है आप अपने बैंक कस्टमर केयर के पास कॉल कर सकते हैं, उनसे पूछताछ कर सकते हैं। तो बहुत सारी जैसे कि समस्याएं हो जाती हैं जिनके कारण, या फिर आप अपना कोई नंबर, मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों भी आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे क्या आपको करना है, कैसे आपको कस्टमर केयर से बात करना है, क्या इसके नियम है, ठीक है। तो जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चले जाएगा, यहाँ पर नंबर के लिए उसको आप चले जाएगा क्रोम ब्राउज़र में, और क्रोम ब्राउज़र में चले जाने के बाद उसको यहाँ पर आपको सर्च करना है HDFC बैंक कस्टमर केयर, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो है कुछ इस तरह का यहाँ पर नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट में ये देख सकते हैं 1800 1600, इस नंबर पर आप कॉल लगाएंगे, बिल्कुल टोल फ्री नंबर है, इससे आप कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कुछ इसके रूल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप रजिस्टर्ड नंबर से आप कॉल करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी पूछताछ नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों अगर अदर नंबर से आपको यहाँ पूछताछ करते हैं तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है इसके लास्ट के 6 डिजिट आपको बताने होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका आधार जो है उसके लास्ट के 6 डिजिट पूछ सकता है, और बैंक अकाउंट के लास्ट के 6 डिजिट आपसे पूछ सकता है अगर अदर नंबर से आप कॉल करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद उस यहाँ पर और भी इसके नंबर हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर देखते ये एक नंबर है और एक ये नंबर है, जो कि ये नंबर आपको फर्स्ट में देखने को मिलेगा और सेकंड नंबर ये यहाँ पर, ये इस पर भी कॉल सकते हैं 1800 2600, ठीक है। और यहाँ पर भी नंबर हैं जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर जो इसका टाइमिंग है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये टाइमिंग देख सकते हैं। लोन सर्विस के लिए जो इसका टाइम है वो सुबह से 8 और शाम के 8 PM तक, यानी कि 8 बजे तक, यानी कि सुबह के 8 बजे से और शाम के 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं कभी भी लोन सर्विस के लिए। डीमैट एंड लोन अगेंस्ट एंड सब्सक्रिप्ट के अकाउंट के लिए आप यहाँ पर टाइम दिया गया है, और जितने भी यहाँ पर जो सर्विस हैं उस हिसाब से यहाँ पर जो दिया गया है वो देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइमिंग दिए गए उसके हिसाब से यहाँ पर अगर इससे रिलेटेड आप कॉम यानी कि कॉल करते हैं तो आप टाइमिंग देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस पर आप कॉल करेंगे तो हमेशा आपका परमानेंटली कॉल लग जाएगा किसी भी टाइम। तो इस तरीके से दोस्तों आप HDFC बैंक में कॉल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लीजिए।